रांची में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने नेतृत्व में आला अधिकारियों के साथ पुलिस और ट्रैफिक अधिकारियों के बीच ट्रेनिंग के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सड़क दुर्घटना पर कंट्रोल करने को लेकर उपाय बताए गए। परिवहन विभाग की ज्वाइंट कमिश्नर किरण पासी का कहना है कि कोरोना पीरियड में जहां कोरोना से 1000 लोगों की मौत हुई, वहीं सड़क दुर्घटना में सिर्फ झारखंड में 3000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। देखिए, ये एक सेमिनार है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर, ये राज्य स्तरीय सेमिनार है, नेशनल सेमिनार है इनफैक्ट, और इसमें राज्य के परिवहन विभाग से संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं, ट्रैफिक विभाग से, एनफोर्समेंट से हमारे जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं, उनको ओरिएंट किया जा रहा है। फर्स्ट सेशन में राज्य के मुख्य सचिव महोदय यहाँ पर उपस्थित थे, उनके साथ हमारे प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग, सचिव रोड पथ निर्माण विभाग, परिवहन, हमारी पूरी टीम ओरिएंट कर रही है कि किस तरह से सड़क सुरक्षा के जो आयाम हैं उनके बारे में लोगों को बताया जा सके, सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं में कमी लाया जा सके। अगर हम देखते हैं तो जब से लॉकडाउन लगा है तब से हमारे झारखंड में जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, लगभग 3000 लोग लॉकडाउन के बाद से उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन कोरोना में अगर हम देखें तो वहीं ये आंकड़ा सिर्फ 1000 का है, यानी कि उसी अवधि में सड़क दुर्घटनाओं से